कार्यक्रम का अर्थ है जिसे हम भारत कहते हैं इस राष्ट्र में ऐसा परिवर्तन करना हम पूरे विश्व को जोड़ सके इसका लक्ष्य यह है चलिए इस देश की व्यवस्था क्या है ध्यान से सुनिएगा एक है शासन जिसको विधायिका कहते हैं जो नियम बनाता है कि देश कैसे चलेगा एक है प्रशासन प्रशासन कहते जो नियम बनाया गया उसको कैसे कार्य रूप में परिणित करें फिर है न्यायपालिका तीन है और चौथा है जो समाचार देता है कहाँ पर क्या हो रहा है ऐसा समाचार दे कि सब जुड़ें और अगर उसको पता चले कहीं पर कोई चीज़ गलत हो रही है वहाँ जा कर के उनके आपस में बीच में संधि कराना मेल मिलाप कराना उनको समझाना फिर समाचार शासन प्रशासन को दे न्यायपालिका को दे उसको कहते हैं समाचार पत्र हम समाचार दें समाचार का लक्ष्य है जोड़ने का न्यायपालिका का लक्ष्य जोड़ने का प्रशासन का लक्ष्य जोड़ने का शासन का लक्ष्य जोड़ने का हम किससे जुड़ना चाहते हैं हम जिससे जुड़े हुए हैं उससे कहा जाता है कि दूर है किससे जुड़े हैं सिर से पैर कमली तक के जो रचना है रचनाकार से जुड़ी हुई है अब देखिए शासन प्रशासन न्यायपालिका समाचार चारों का लक्ष्य है जुड़ना हम किससे जुड़ना चाहते हैं हम आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ करके देखिए एक मुद्दा आएगा कि कॉन्फ्लिक्ट होगा लेकिन आंख और कान जुड़ा है दांत और जीभ जुड़ी है यहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं है पैर हाथ जुड़ा है सिर से पैर उंगली तक सभी अंग आपस में जुड़े हैं यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है पैर में चोट लगी दोनों हाथ वहाँ पहुँच गए दिमाग वहाँ पहुँचा मन वहाँ पहुँचा आँखें वहाँ पहुँची, और कान सुनता है कि इस चोट को कैसे ठीक करें तो सिर से पैर की उँ तक ये जो 24 तत्व 24 तत्वों का ये जो अलौकिक रचना है ये ये आपस में जुड़े हुए हैं तो इन सबका काम है जोड़ना सिखाना आज तक कुछ भी कर लीजिए अन्य तरीके से जब हम जुड़ने का प्रयास करेंगे तो जुड़ नहीं पाते हैं इससे पहले हम अपने से जुड़ें सिर से पैर कंगली तक इसमें जो कुछ हो रहा है जिसका हम तरह तरह के नाम दे रखे हैं ये हल्कापन भारीपन कड़ापन ढीलापन ये दुख है सुख है गर्मी है सर्दी है स्वाद के तल पर विविधता गंध के तल पर विविधता दृश्य के तल पर विविधता हम सबसे कैसे जुड़ें जब ये हम सीख लेते हैं तभी जो समाचार वाहक है जो समाचार को फैलाते हैं तभी वैसा समाचार फैला पाएंगे पूरे देश में एकता हो तो न्यायपालिका के प्रशासन के शासन के जो लोग हैं तभी जोड़ने का काम कर पाएंगे जब हम सिर से पैर उंगली तक ये 24 तक तो कैसे जुड़े हैं इसकी अनुभूति कर लें और इसकी अनुभूति करने का तरीका क्या है इसकी अनुभूति जब हम कर लेते हैं तो हम किस स्थिति में पहुंचते हैं उस स्थिति को हम कहते हैं कृतम। उसको हम कृतम कहते हैं कृतम का अर्थ हम कई बार बता चुके हैं ऐसा कर्म जो अनुभव कराए कि कर्म पवित्र है जब कर्म की पवित्रता की अनुभूति होगी हम कहें कि हो रही है तो प्रमाण क्या है सिर से पैर के तक इसकी वाइटलिटी बढ़ेगी इसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी इसमें शांति बढ़ेगा ये भय से मुक्त होगा चिंता से मुक्त होगा ये सब प्रमाण होगा तो संक्षेप में हम क्या कहना चाह रहे हैं सारे लोग जो हिंदी जानते हैं या जो भारत देश में रहते हैं क्रियायोग ध्यान एक ऐसा साधन है जिसको जब पूरी भक्ति के साथ इसको पढ़ेंगे अभ्यास करते हुए पढ़िए अभ्यास न करिए तो गलत अर्थ लगेगा इसको जब सुनिए तो इसका अभ्यास करिए जैसे जैसे अभ्यास की गहराई में आएंगी तो अगर आप वाहक हैं तो आप समाज में एकता स्थापित कर सकेंगे अगर आप शासन में हैं तो समाज में एकता स्थापित कर सकेंगे अगर आप प्रशासन में हैं या न्यायपालिका में हैं एकता स्थापित कर सकेंगे आराम से इसे संक्षेप में है क्रियायोग इस राष्ट्र में सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए तब क्रियायोग पढ़ाएगा कौन किसी को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है आप स्वयं पढ़िए और अभ्यास करिए पढ़ा वही सकता है जो दुनिया में सबको प्रेम करता हो अज्ञानी को भी ज्ञानी को भी दोनों कितना प्रेम करता हो जो प्रेम की असीमता हो वही क्रियायोग को पढ़ा सकता है बाकी नहीं तो करें क्या तो कैसे सीखेंगे ये सारफ सेल्फ रिलाइसेंस फेलोशिप जिसको परमहंस योगानंद ने स्थापित किए हेडक्वार्टर है, लॉस एंजलिस में है और उसकी एक ब्रांच पराची में वहां है योगदा मठ वहाँ से पाठ्यक्रम प्रकाशित होते हैं वहाँ से आप फॉर्म भरिए वहाँ के पाठ्यक्रम मंगाइए अगर नहीं मंगाना चाहते हैं ठीक है या मंगाते हैं समझ में नहीं आता है तो दो चीज़ तो आपके पास है ही एक योगी गथ ये परमहंस योगानंद के हाथ से लिखी गई है एक ऐसा लेखक जो दिखा दिया हो कि स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं और शरीर इतनी पवित्र हो गई कि छोड़ने के बाद उसमें दुर्गंध नहीं आई उसमें कोई मरने का चिन्ह नहीं आया और उस शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी विक्रिया नहीं दिखाई पड़ी न दुर्गंधाई न फूली वो कुछ भी नहीं हुआ न तो फफूदी पड़ी ऐसे महान ऋषि के बारे में जिनको अवतार कहना बहुत ही उपयुक्त है इसलिए परमहंस नाम रखा गया अगर वास्तव में कोई परमहंस है तो अवतार ही होता है परमहंस कहते किसको है हंस किसको कहते हैं हंस कहते हैं जो हा है इसको कहते मुक्ति हा, हा हा इसमें हवा से मुक्त हो गई आवश्यकता नहीं है और हम निरंतर मुक्त रहे हम और इस मुक्ति को हम सहसे व्यक्त करें सा क्या है जीवन यह मुक्त हो गए कि पृथ्वी की आवश्यकता नहीं हवा की आवश्यकता नहीं पानी की आवश्यकता नहीं पेड़ पौधे की आवश्यकता नहीं तब जिस मुक्ति को हम समझते हैं वही है और उस मुक्ति को जो स्वेच्छा से अनुभव कर ले उसको क्या कहते हैं निर्विकल्प समाधिक अनुभूति करने वाला निर्विकल्प समाधि क्या होती है जैसे गहरी नींद में जब हम सोते हैं तो ये नहीं पता चलता हमारी उम्र क्या है हमारी जाति क्या है हमारा धर्म क्या है हमारा राष्ट्र क्या है हमारा जेंडर क्या है हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं कि लड़की हैं कि लड़का कुछ भी पता नहीं हमारी समाज में पोजीशन क्या है कि सब जब एकदम भूल जाते हैं तो गहरी नींद कहते हैं उसी गहरी नींद की अनुभूति हम जागते हुए कर ले हम बोल रहे हों देख रहे हों सुन रहे हों चल रहे हों काम कर रहे हों और उसी भाव में हो सिर से पैर क्यों तक अपनी अनुभूति को हम ये लड़का लड़की दोनों है ये पेड़ पौधा भी है ये जीव जंतु भी है ब्रह्मांड की जितनी रचनाएं हैं उस रूप में व्यक्त है ये जब ये अनुभव कर लेते हैं तो उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं तो जब निर्विकल्प समाधि में होते हैं तो ऐसी स्थिति में सभी प्रकार के हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो ऐसे लोगों को परमहंस कहा जाता है एक है हंस क्रिया इसके अभ्यास में सविकल्प समाधि लगती है परमहंस जो निर्विकल्प समाधि में स्वेच्छा से जब चाहे तब प्रवेश कर ले जैसे महात्मा गांधी निर्विकल्प समाधि में रह करके दांडी यात्रा किए थे चंपारण की यात्रा किए थे जब गए थे वो अफ्रीका में उस समय उसे निर्विकल्प समाधि में ही संपूर्ण कार्यक्रम किए हैं गांधी जी जो दिखा गए आइंस्टाइन ने क्या कहा युग युग आते रहेंगे कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हुआ था जिस गांधी को परमहंस योगानंद ग्रेट प्रॉफेट कहें तो याद रखिए तो जो शासन प्रशासन न्यायपालिका समाचार पत्र ये सब एक दूसरे को जोड़े ये व्यवस्था करनी है इसलिए भारत के सभी लोग क्रियायोग अभ्यास करें आपकी सेवा के लिए हम यूट्यूब में देते हैं लेकिन यूट्यूब से पूरा समझ नहीं पाएंगे लाइव सेशन है इससे भी पूरा समझ नहीं पाएंगे योगी कथा में पढ़िए बहुत मोटी लगे तो कहीं से उठा के पढ़िए कोई भी पेज खोलिए उसको पढ़िए फिर अभ्यास करिए और पता चलेगा कि हम सही पढ़ रहे हैं कि गलत आज जैसे हमने पढ़ा एक पेज पढ़ा कुछ भी पढ़ा कल्पना करिए लाहड़ी महाशय का अवतार सदृश जीवन इसको पढ़ा हम कल फिर पढ़े पता चले अरे ये तो बहुत अच्छा है ये कल तो मैं समझ ही नहीं पाया था दस दिन के बाद फिर पढ़िए अरे समझ में अब हमें आ रहा है अरे इसमें तो ज्ञान का भंडार है प्रतिदिन ऐसा लगे कि इसमें और अधिक ज्ञान है और अधिक ज्ञान है तब हम ठीक से पढ़ रहे हैं तो ठीक से कब पढ़ पाएंगे जब आप क्रियायुक्त ध्यान करिए और पढ़िए और क्रिया ध्यान कब कर पाएंगे जब आप सेवा करिए बिना सेवा का नहीं कर पाएंगे सेवा के बारे में विस्तार से हमने बताया है पृथ्वी पर रहते इसकी सेवा करिए इसकी सेवा करिए इसकी जमीन उर्वरक हो जाए जहाँ पर एक खुशी से सभी पेड़ पौधों को उगा करके प्रसन्न हो जाए पेड़ पौधों की सेवा करिए पेड़ पौधों की सेवा करने के लिए जानवर की भी सेवा करनी पड़ेगी फिर जानवर की सेवा करिए मानव की सेवा करिए जब ये सब सेवा का संकल्प लेंगे मनोयोग से करेंगे तभी क्रियायोग का अभ्यास होगा याद रखिएगा क्रिया का अभ्यास जो करते हैं इसको करते हुए सेवा कार्य बनाए रखिए तो आप देखेंगे एक ही जन्म में हम उस पूर्ण अस्तित्व को समझ लेंगे जिसको परम कहते हैं अब आइए मान लीजिए कि हम भारत में हैं हमारे माता पिता परिवार के लोग कहते हैं कि बेटा हमारा आई होगा लोग मानते हैं कि आई के लोग सुपर जीनियस होते हैं ठीक है हम मानते हैं कि सही है हम जा रहे हैं इम्तहान देने इम्तहान में लिखा गया है किताबों में लिखा है भारत देश में हिंदू लोग डकैत होते थे सिंधु नदी पार करके डकैती करके आते थे तो सिंधु सिंधु से हिंदू हो गया तगरा गया प्रश्नोत्तर कि हिंदू को डकैत कहते हैं नंबर उत्तर हाँ या नहीं अगर लेखक ये मानता है कि सिंधु से हिंदू हुआ डकैती डाल करके फिर इधर भाग आते थे तक कह दिया हाँ तो नंबर पूरा दे दिया कह दिया नहीं तो फेल हो गई हम दूसरे को खुश करने के लिए उत्तर दें ये शिक्षा नहीं है जिस उत्तर से ये पता चले कि हम महान हैं आप भी महान हैं वही उत्तर सही है चलिए एक और है भारत को क्या कहते हैं पूछा गया कि भारत किस महाद्वीप में है आप आई एस के एग्ज़ाम दे रहे हैं जनरल नॉलेज पूछा गया तो आपने कह दिया एशिया महाद्वीप में है और एकदम पास हो गए हाँ भाई ये एशिया महाद्वीप में है ठीक है लेकिन ये उत्तर गलत है पहले सोचिए कि द्वीप किसको कहते हैं द्वीप कहते एक ऐसी जगह जहाँ की भाषा एक हो रीति रिवाज एक हो रहन सहन एक हो सब एक दूसरे को जानते है, समझते हो उसको द्वीप कहा जाता है तो क्या भारत ऐसा है आप बिहार में जाइए अलग भाषा बंगाल में जाइए अलग भाषा दोनों का रीति रिवाज अलग आप पश्चिम में जाइए रीति रिवाज अलग आप तमिलनाडु में जाइए केरला में जाइए आंध्रा में जाइए कर्नाटका में जाइए के रीति रिवाज अलग मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार एक एक जगह का रीति रिवाज अलग खाना पीना अलग भाषा अलग तो महाद्वीप क्या है भारत स्वयं में महाद्वीप है ये अगर आपने लिख दिया तो फेल हो गए आइएस में नहीं आएंगे ऐसे इम्तहान हम देते हैं जिसमें वो उत्तर मांगा जाता है जो गलत है बताइए हमारे पूर्वज 400 वर्ष पहले गुलाम थे या स्वतंत्र थे चलो लिखा क्या एकदम स्वतंत्र थे फेल हम गुलाम थे मुगल के गुलामी अंग्रेजों के गुलामी हम गुलाम कभी नहीं थे हमने स्वागत किया हम ग़ुलाम होते तो हम स्लेब कहे जाते गुलामी अमेरिका में थी वहाँ स्लेब परंपरा थी हमारे यहाँ नहीं थी हम आते थे देव भाव हमने स्वीकार किया उनका मैंने स्वागत किया वो धोखा दिए बेईमानी किए चले गए अंग्रेजों को स्वीकार किया ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए उनका स्वागत किया आए धोखा दिए चले गए हम कब ग़ुलाम थे न गुलाम थे न हैं न रहेंगे हम अगर उत्तर लिख दीजिए तो आप फेल आई एस में नहीं आएंगे ऐसे परीक्षा हमारे देश के विद्यार्थी क्यों बैठते हैं जहाँ गलत इम्तहान होता है और चलिए एक आई पोस्ट है अगर उनकी तनख्वाह कर दिए लेखपाल के बराबर उनकी तनख्वाह कर दीजिए जो मिनिमम तनखा होती है आई बनने का क्रेज खत्म वो तो, तो आई बनेंगे बड़ा बंगला मिलेगा इतना अधिकार मिलेगा जिसको चाहेंगे सस्पेंड कर देंगे उत्तर प्रदेश का परेड लाइन लिखा देंगे जिसका चाहेंगे जीवन बर्बाद कर देंगे जिसको चाहेंगे बना देंगे हम हमारे देश के लोग फिर आई एस क्यों होना चाहते हैं याद रखिएगा भविष्य में आई ए एस और जिस तरह से आईपीएस या पुलिस प्रशासन है एक भी यहाँ नहीं रहेगा पुलिस प्रशासन क्या है ठीक है रक्षा करता है हम मानते हैं अभी कोई घटना घटित हो जाए फोन करिए नहीं आएंगे कोई मर जाए तो दौड़े दौड़े आएंगे मालिक कोरोना हो गया बुखार हो गया जुकाम हो गया ये हो गया डॉक्टर बुलाई नहीं आएंगे अब बेहोश हो गए तो सब डॉक्टर दौड़ के आएंगे ये कौन सी तरकीब है कोई मर गया एक्सीडेंट हो गया सब दौड़ के आएंगे डीएम भी कमिश्नर भी और पुलिस कमिश्नर भी आईजी भी डीआईजी भी सब आ जाएंगे इतना कॉमन सेंस नहीं है यहाँ हम भारतवर्ष के प्रत्येक लोग क्रियायुक्त ध्यान करिए पूरा घर परिवार मिलकर रहिए पड़ोसी से मिलकर रहिए और क्रिया ध्यान करने से इतनी इम्यूनिटी बढ़ेगी इतनी वाइटलिटी बढ़ेगी बीमार नहीं होंगे और उसमें सही नियम में आएंगे कि खेत में काम करना अनिवार्य है पेड़ों की सेवा अनिवार्य है जानवरों की सेवा अनिवार्य है परिवार में सबकी सेवा अनिवार्य है ये अनिवार्य नियम होगा आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा आपको परिवार में सौ लोग हैं सौ लोग एकदम एक दूसरे एक को मानते भगवान की तरह आ जाए कोई सामने चंपारण तो था गांधी जी कितना प्रेम करता था ले जाए अरेस्ट करके अंग्रेज लोग क्या कर पाए कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ा उनको इसलिए एकता बहुत आवश्यक है उस एकता का स्थापना करने के लिए अपने स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाइए इसमें होने वाले सभी परिवर्तनों से आप एकता बनाइए सभी के साथ हम जुड़ जाए सिर चेहरा गला हाथ पीठ सीना पेट कमर से पैर की अंगुली तक दोनों पैर सब में हम एकाग्र हो गए और जितनी अनुभूतियाँ हैं उसी को हम मान सब कुछ है ये वही शक्ति है ज्ञान है शांति है आनंद है सब कुछ है वही जब आप इस तरह से अभ्यास करेंगे तो जानते हैं भारतवर्ष इतना प्रेम करेगा उस प्रेम के आभामंडल में चाइना बदल जाएगा पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब आकर के गले मिल करके सब भूल जाएंगे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है ऐसा करिए ऐसा होता है कहते ऐसा कैसे संभव है इस आश्रम में यहाँ हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं है यहाँ जातिवाद नहीं है अपना परायवाद भी नहीं है तो याद रखिए कि अगर आपको आई आईपीएस एस आई पी एस आई एफ एस या सिविल जज या एच एस अगर नियम हो जाए कि आप पास हो जाएंगे अगर ये मान लीजिए कि जो भारत है एशिया महाद्वीप में है तो ऐसा लगता है सभी लोग कह देंगे हाँ तो अपने देश को छोटा कह करके अगर हम कंपटीशन में आते हैं तो कंपटीशन ही गलत है भारत देश को पहले उप महाद्वीप कहा जाता था यहाँ के लोग इतने ज्ञानी हैं जा करके पूरी दुनिया में दिखाए कि अगर हम इंजीनियर हैं तो हमारे बराबर कोई भी इंजीनियर नहीं है ना यूरोप में ना अमेरिका में न कनाडा में न ऑस्ट्रेलिया में अगर हम डॉक्टर हैं तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं यूरोप में अमेरिका में कनाडा में ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं मिलेगा ऐसा हम भारत रोज लोग जो बाहर हैं इतने आगे हैं कुरके तुलना में कोई है ही नहीं कि देख करके के जब लोगों में एक ऐसा लगा कि ये देश बहुत तो इतना आगे पूछिए नहीं अंग्रेज़ों ने जहाँ जहाँ राज्य किया उसकी सभ्यता ख़त्म खो गई अमेरिका की वो सभ्यता नहीं जो प्राचीन थी कनाडा की सभ्यता वो नहीं जो पहले थी ऑस्ट्रेलिया की सभ्यता वो नहीं जो पहले थी हमारी सभ्यता वो बनी हुई है और कुछ सभ्यताओं को और हमने ले लिया है इस देश की महानता दिक्षरी से हट जाए इसे कुछ वर्षों में ये लोग कहने लगे कि ये भारत एशिया महाद्वीप में है पहले कहा जाता था कि भारत ही महाद्वीप है तो उसे पूछा जाए कि आप बताइए द्वीप की परिभाषा क्या है द्वीप की परिभाषा एक ऐसा क्षेत्र जहाँ का रीति रिवाज जहाँ का भाषा खाना पीना एक हो तो क्या भारत ऐसा है यहाँ कितने रीति रिवाज हैं कितनी भाषाएँ हैं, कितना खाना पीना है कितनी सभ्यता हैं बहुत है तो देश अपना महाद्वीप है याद रखिएगा और हम न कभी गुलाम थे न गुलाम है न रहेंगे हमने प्रेम किया है आतिथ्य देव भाओ यही का नारा है हम आतिथ्य देव हो, हमने प्रेम करके किसी को आतिथ्य मान करके जगह दे दिया और आप में डकैती डाला लूट के चला गया हमको सिद्ध कर दिए कि हम लोग बेवकूफ़ हैं तो उनके कहने से थोड़े बेकूफ़ हो गए हमारा अगर लूट के ले गया तो हम क्या कहते हैं हो सकता किसी जन्म में हम लिए हों क्या अहिंसा का प्रतिमूर्ति है हम पर हैं एयरपोर्ट पर हैं कोई पर्स लेके भागा हो सकता है किसी जन्म में हम उसका पर्स लिए हों ये सभ्यता कहीं मिलेगी नहीं इसी यही देश है जहाँ पर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति न्यायपालिका में और कार्यपालिका में सब जगह हमारी बहनें हैं बाहर किसी की हिम्मत नहीं इतने लोगों को इतना ऊंचा स्थान दे दे इसे हमें क्या करना है जितने भी नए लोग सुन रहे विद्यार्थी लोग आई और आईपीएस, आईएफएस का वो भूत हटाइए भविष्य में चलने वाला नहीं है पहले एक टोपी ले करके जब अंग्रेज लोग भेजते थे किसी को गांव में पूरा गांव शक पका जाता था सब घर में घुस जाता था चौकीदार आया है अब तो आईजी डीआईजी चले जाए कोई पूछता नहीं है ये सब उन सब चीज़ों में क्यों जाना चाहते हैं क्योंकि एक झूठा अधिकार मिलता है तामझाम मिलता है तो उससे काम नहीं चलेगा हमें तो सेवा करनी ही करनी नहीं करेंगे कोरोना होगा वायरस होगा कैंसर होगा ब्लड प्रेशर होगा तब क्या करेंगे आप बने रहिए बड़े बड़े पदों पर जब तक आप खेती नहीं करेंगे पेड़ों की सेवा नहीं करेंगे जानवर की सेवा नहीं करेंगे मानव की सेवा नहीं करेंगे भविष्य में स्वस्थ नहीं रहेंगे आप हमारे यहाँ क्या होता था भारतीय संस्कृति में बारह वर्ष तक बच्चे माता पिता जो करते उन्हीं के साथ काम करते थे बारह वर्ष के बाद उनको संस्कार दिया जाता था उप संस्कार उप का मतलब समीप नयन का अर्थ देखना अब हर चीज़ों को समीप से देखिए समीप से कैसे देखेंगे जनेऊ पहनाई जाती थी जनेऊ पहनाने का लक्ष्य क्या है हम सिर और रीढ़ का अनुभव करें क्योंकि जनेऊ लटकती है रीढ़ में इसका अर्थ नहीं कि आप जनऊ पहनी अनिवार्य ऐसा नहीं है एक प्रतीक था तो कि अगर आप शरीर पर ध्यान करते तो जनेऊ पहनने की क्रिया हो गई माथे पर तिलक लग लगाने की क्रिया आप भ्रमद साधना खुद ही करते हैं यहाँ चोटी रखने की क्रिया आप तो मिडला की आज्ञा चक्र की खुद ही ध्यान करते हैं तो क्रिया एक ध्यान ही उपनयन संस्कार है बारह वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार इस देश में दिया जाता था फिर यहाँ के लोग ऋषि मुनि होते थे बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक होते थे आप क्या है पैदा होते ही बच्चा मोजा पहना जूता पहना बैग बांधा और पराठा खाया ब्रेड पकौड़ा ले गया क्लास में खाया फिर आया फिर रट रहा है रट करके पढ़ करके पास हो गया तो सोते सुखी रहेगा नहीं भविष्य में याद रखिएगा अगर सिस्टम नहीं अपनाए आप शारीरिक श्रम का तो घर के बच्चे बच्चों की माँ बच्चों के पिता परिवार के लोग शासन प्रशासन न्यायपालिका के लोग समाचार वाले जो जोड़ने काम नहीं करते सबको ये सब प्रॉब्लम होगी वायरल प्रॉब्लम होगी हम आपको पहले से बता रहे हैं क्योंकि आपको हम मानते हैं इसे हम इस चीज़ से आगाह कर रहे हैं कहते नहीं भाई हमें ऐसी चीज़ बताई कि रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़े तो हमने बताया तो एक उदाहरण है गांधी जी गांधी जी तो कभी इतने लंबा उपवास करते थे बयालीस दिन तक अनशन पर रहते थे हम खाना नहीं खाएंगे हम तपस्या करेंगे उपवास करके तपस्या करेंगे जब उपवास ज़्यादा करिए सिर और रीढ़ की तरंगे वाइब्रेट करती हैं बयालीस दिन तक करने के बाद भी किडनी नहीं खराब हुई हम आपसे निवेदन करते हैं तो जो समय बीता बीता आज से फिर सेवा कार्य को अपनाइए और क्रियायोग ध्यान करिए बाकी जिम्मेदारी आपका घर नहीं है जगह नहीं है खाने पीने की जगह नहीं है हम आपको दिए तो हैं कोई आपसे वसूलता नहीं है आपके पास स्वेच्छा सा होगा तो खुद ही आप मदद करेंगे अगर है मदद नहीं करते हैं तो तो ज्ञान मिलने वाला नहीं और आपके पास नहीं है तो कोई संकोच शर्म नहीं कि आप मदद करिए आप स्वेच्छा से आराम से रहिए अभ्यास करिए और सेवा कार्य करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए वाइटलिटी को बढ़ाइए जीवन में शांति लाइए